ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कुटुम्बपोषाय वियन्निदायुः न बुध्यतीर्थं विहतं प्रमत्तः। सर्वत्र तापत्र दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्ब रामः। कुटुम्ब पोषाय, परिवार पोषने के लिए, दिया बिता देता है, निजायु हो अपनी आयु को, न बुध्यते नहीं जान पाता है, अर्थां प्रयोजन जीवन का परम अर्थ, विहतां विनष्ट हो रहा है, प्रमत्तः भगवत भजन में लापरवाह, सर्वत्र समस्त योनियों में, सब स्थानों में, तापत्र दुखितात्मा, आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक, तीन प्रकार के दुखों से मन सदा बेचैन रहता है। निर्विद्यते विरक्त होता है, न स्वकुटुम्ब रामः, अपने परिवार के, अपने परिवार में ही रमता रहता है। तो श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों को उपदेश कर रहे हैं, तो उन्होंने मूल वाक्य कहा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह बचपन में ही भगवान की भक्ति करे, क्योंकि आगे भक्ति करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या क्या बाधाएं आती हैं इसको गिनाते हुए उन्होंने पहले कहा था, उसे हम लिंक दे रहे हैं। कथम त्याजेत, 13वें श्लोक में त्याजेत, 11वें का कथम शब्द यहाँ जुड़ेगा, कथम त्याजेत, कैसे छोड़ सकता है। कोशस कृत इव इह मान, जैसे रेशम का कीड़ा होता है, वो कोष बनाता है अपने चारों तरफ, कोष कृत कहते हैं उसको, तो वह रेशम का कीड़ा जब अपने लिए घर बनाता है, तो बनाते बनाते चारों ओर से घर ढक लेता है, कहीं खिड़की या द्वार नहीं छोड़ता है, निकलने का दरवाजा नहीं रखता। हम लोग घर बनाते हैं तो सब पहले से प्लानिंग करते हैं, ये दरवाजा रहेगा, चाहे बाथरूम से निकलना हो, चाहे ऑफिस से, चाहे मंदिर से, कहीं से दरवाजा है ना निकलने का, आए हैं तो निकल जाएंगे। लेकिन रेशम का कीड़ा घर बनाता है अपने लिए, तो वो चारों ओर ढक लेता है, कहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलता, और उसमें बंद हो करके और आह आह करने लगता है, मैं कैसे निकलूं कैसे निकलूं, उसमें तड़पता रहता है। गृहस्थ जीवन ऐसा है, कोष कृत इवा, कोष बनाने वाले रेशम के कीड़े जैसे, फंसने के हर एक उपाय है गृहस्थ के पास, कैसे बंधना चाहिए, लेकिन निकलने का एक भी रास्ता नहीं रहता। विवाह करके और बच्चा उत्पन्न करना, घर बनाना, एक करना, वो करना, निकल ढकता गया आदमी, पहले अकेला रहता है, इसके बाद पत्नी, इसके बाद बच्चे, इसके बाद यह, इसके बाद यह, कोई दरवाजा रखना चाहिए जिससे भजन भी कर सके, निकल सके। उसके लिए पहले के गृहस्थ लोग
निकलने का पहले रास्ता रखते थे, जीवन में ट्रेनिंग ले लेते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में कि कुछ दिन गृहस्थ रह करके और उसके बाद निकल जाना। और अब के गृहस्थ निकलने का कोई दरवाजा नहीं रखते, कोई द्वार नहीं। देखिए चतुर चोर वह है जो चोरी करने से पहले देख ले कि संकट काल में इमरजेंसी में किस द्वार से भागेंगे, पहले वो भागने का रास्ता देख लेता है। और मूर्ख चोर चोरी करता है भागने का नहीं देखता है, कदाचित भागना पड़े, गृह स्वामी जग जाए या हमारा कोई पीछा करे तो किस रास्ते से भागूंगा। चतुर चोर पहले भागने का रास्ता देख लेता है। तो इस तरह से कोई बुद्धिमान गृहस्थ है तो वह जैसे गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है तो उसी समय वो उससे निकलने का दरवाजा देख लेता है, इतना दिन गृहस्थ रहना है जाए है राशन दीजिए। तो वो घर गृहस्थी किस दिन छोड़ना है, किस परिस्थिति से निकल जाना है, भगवान का भजन करना है, चतुर व्यक्ति उसी समय निर्णय करेगा। और कदाचित उस समय नहीं निर्णय किया तो बाद में भी तो द्वार खोदेगा बाद में भी तोड़ेगा दीवार, वह निकलने का एक रास्ता रखा है। इन प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम त्यजेत कोशस कृत इव इह मान, रेशम के कीड़े जैसा तो इसका व्यापार हो रहा है। कर्माणि इह मान, बहुत बहुत कर्म करता है मनुष्य, लोभात अवितृप्त काम, और कामनाएं शांत रहती नहीं है, अनेक इच्छाएं रहती हैं, लोभ बढ़ा रहता है, कामना की पूर्ति होती है लेकिन फिर भी शांति नहीं होती। किसी को मन में इच्छा हो कि हमारा घर बन जाए, हमें इतना डॉलर मिल जाए, ये हो वो हो, उतना मिल भी जाता है लेकिन लोभ बढ़ने से कामनाएं शांत नहीं होती। किसी को मान लीजिए अगर 100 मिलियन डॉलर चाहिए, उसके मन में इच्छा है, जिस दिन प्राप्त होगा उसी दिन अब बिलियन का अभाव सताने लगेगा उसी दिन। हमने सुना है भारतवर्ष में बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनको हमेशा कुछ करोड़ का घाटा ही रहता है, कुछ करोड़ का घाटा उनको रहता है। और एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है तो ज्यादा से ज्यादा शाम को जोड़ेगा तो कहेगा आज 10 रुपया कम मिला है, और 10 रुपया मिल गया होता है। तो इस तरह से लोभ बढ़ा रहता है और कामनाएं शांत नहीं होते हैं। औपस्थ जहवम बहुमन्यमान, और मनुष्य जीवन में गृहस्थ व्यक्ति किस चीज को महत्व देता है, सबसे बड़ा मानता है औपस्थ और जैव। औपस्थ का अर्थ उपस्थ के विषय को, स्त्री संग को और भोजन को, बस यही दो उसके लक्ष्य हैं, स्वादिष्ट पदार्थ खाना और स्त्री के साथ रहना, संग करना, बस बहु मान्य मान। अगर ये मिल गया तो सोचता है बस जीवन का परम फल मिल गया और इसी के लिए सारा प्रयास, बहु मान्य मान, इतना भगवान के भजन का आदर नहीं करता। और कथम विरज्यते दुरंत मोह, उसका मोह है कि यह मैं देह हूं, ये मेरे संबंधी हैं, मेरा यह सम्मान है, मेरी इज्जत है, ये रहना है, इस तरह से इसको दुरंत मोह कहते हैं। मोह की कोई सीमा नहीं रहती। और कुटुंब पोषाय बियन निजाय, बियत शब्द है, बियत का अर्थ बीत जाना है, परिवार पोषने में ही जीवन बीत जाता है। और ऐसी दशा होती है आप परिवार पोषते पोषते मर जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे, उस समय भी परिवार के लोगों से पूछिए कि आप अब संतुष्ट हो हमारे काम से, तो कहेगा तुमने तो कुछ भी नहीं किया यही रिजल्ट मिलेगा, आप विश्वास कीजिए सबके बाद। लड़का कहेगा हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, स्त्री भी कहेगी हमारे लिए कुछ नहीं किया।
आप मर गए परिवार के लिए, लेकिन लोग कहेंगे कुछ नहीं किया। ये सत्य है, इसे दुखी नहीं होना चाहिए इन बातों को सुन करके। बहुत बड़ा उपदेश है, असुर बालक तो सुने ही, लेकिन भागवत में इसलिए रख दिया गया है कि अब हम लोग सुने इसको। प्रहलाद महाराज जो बोल गए हैं उसको वेदव्यास देव दिए हैं कि अब आप लोग सुनिए। असुर बालक तो भगवान का भजन करके पार हो गए। तो यह कितना सत्य है, कुटुंब पोषाय वियत निजायु, अपनी आयु बीत रही है कुटुंब पोषने में। न बुद्धते अर्थम विहतम प्रमत्त, और इतना प्रमत्त, इतना अज्ञानी असावधान जीव हो जाता है कि अर्थम विहतम, उसके जीवन का परम पुरुषार्थ विहत हो रहा है, परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कुटुंब पोषने में जीवन बेकार जा रहा है, प्रतिदिन घटती जा रही है आयु, इसको नहीं, न बुद्धते, नहीं समझ पाते, इसको पता ही नहीं चलता उस मूर्ख को कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य विहत हो रहा है। क्यों? कि प्रमत्त, प्रकृष्ट मत हो जाता है, गृहोश हो जाता है, मतलब सुधि नहीं रहती, अज्ञान में डूब जाते हैं। यद्यपि सर्वत्र तापत्र दुखितात्मा, जहां जीव जाता है, जिस समय भी, जिस जोनी में, जिस स्थान पर भी, वहां तीनों प्रकार के ताप से दुखित रहता है, उसका चित्त दुखित रहता है, लेकिन फिर भी स्वकुटुंब राम, अपने कुटुंब में इतना रमण करता है, उसकी इतनी प्रीति कुटुंब में होती है कि न निर्विद्यते, वो उसे उबता नहीं है, बिल्कुल उबन नहीं है वास्तव। और आदमी सोचता है कि एक काम न करना पड़े, हम रिटायर हो जाए, हमको पैसा मिले, और काम धंधा भी छोड़ सकता है सरकार का या कंपनी का, जो उससे पैसा मिले तो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, सैटरडे संडे। लेकिन परिवार का जो पोषना है, परिवार में जो प्रीति है, उसका कभी सेसेशन नहीं, वो कभी विराम नहीं। 2 दिन छुट्टी रहते हैं तो 2 दिन खूब परिवार के साथ मार्केटिंग करो, ये क्लीनिंग करो, ये करो, वो करो, नाना प्रकार काम लगे। ये नहीं कि 2 दिन छुट्टी मिला तो 2 दिन खूब जम करके भगवान का भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो बुद्धिमान है वे अपने जीवन के क्षण का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे संस्था में, स्कान में जो लोग रिलेटेड हैं स्कान से, तो सैटरडे संडे को मंदिर में आ जाते, छुट्टी हुआ तो भगवान के भजन के लिए छुट्टी हुआ कि और विषय भोग के लिए छुट्टी हुआ। हम एक बार रात में जा रहे थे सैटरडे को एक भक्त के साथ बर्मिंघम, तो मैं देखा 11 बजे रात में लोग सड़क से खूब आ जा रहे थे इधर से उधर। तो मैं कहा कि इसमें रात में क्या कार्य हो रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं कि कोई विशेष कार्य सरकार का है? तो भक्त सोना और मुस्कुराया, सब लोग स्त्रियों के साथ जा रहे थे, वो कहा कि नहीं, ये सैटरडे नाइट फीवर है। फिर भी मैं नहीं समझा कि नाइट फीवर, मुझे भ्रम हुआ कि जिसको जिसको बुखार आया होगा वो यहाँ आया है। सत्य कहता हूं मैं, तो इतनी लोगों को फीवर आ गया है। तो बताया, नहीं नहीं, ये काम ज्वर है, लस्ट ज्वर है वो, तब मैं समझती हूँ। उस तरह से घूम रहे थे इधर से उधर, उसी स्त्री के साथ भगवान के मंदिर में आते, भगवान की बात सुनते, प्रणाम करते, दर्शन करते, तो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन न बुद्धते, मयोवृद्ध मनुष्य को पता ही नहीं कि उसके जीवन के अनमोल क्षण जा रहे हैं, जिस क्षण में, जिस समय में भगवान का नाम ले सकता है, भक्ति कर सकता है, वो समय जा रहा है कुटुंब पोषा। और न निर्विद्यते, ये प्रश्न होता है कि दुख होता है फिर भी क्यों नहीं उठता है,
जो सर्वत्र ताप त्रय दुखित आत्मा, आत्मा मन मन, उसका मन तीनों प्रकार के ताप से दुखी रहता है, तो फिर उबता क्यों नहीं है? उसका उत्तर होता है स्वकुटुम्ब रामा, अपने कुटुम्ब में इतनी रति होती है, प्रीति होती है कि भ्रमण करता है उसको दुख का अनुभव होता ही नहीं। दुख का अनुभव करते हुए भी पश्यन न पश्यति लगा बीते सुमित्या भिन्विष्ट चेता, और उसमें भी धन में उसका चित्त नित्य अभिनिविष्ट रहता है। कैसे धन बढ़ेगा, कैसे बचेगा और कैसे कमाएंगे, ये होगा वित्तेषु नित्या भिन्विष्ट चित्त, अभिनिविष्ट चित्त विद्वांस दोषं पर वित्त हरते, और इतना अभिनिविष्ट धन में चित्त रहता है कि दूसरे का धन कभी कभी बड़े बैड ट्रिक से, चोरी से, जैसे तैसे अपहरण करना चाहते हैं धन दूसरे का, और जानता है कि दूसरे का धन हरण करने पर क्या क्या पनिशमेंट होता है, परलोक में जमराज जी के हवाले जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, राजा भी दंड देता है इस जीवन में, बहुत बहुत बातें है। दूसरे के धन को कभी नहीं लेना चाहिए। वास्तव में हम लोग जन्म लिए हैं तो भगवान हमारे पोषने भर धन हमको देंगे, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन और सब धन है वो दूसरे के लिए है, ऐसा नहीं कि सब हमारे लिए ही है। भगवान की सृष्टि है, भगवान सबका कोटा निश्चित किया है, इसका इतना धन होगा, इसका इतना धन होगा, ये होगा वो होगा। आज के युग में तो आदमी सरकारी धन को समझता ही नहीं, को किसी दूसरे का है, सब हमारा है, अगर अवसर मिले तो सब ले लो। मैंने सुना है कि कुछ लोग अमेरिका में और यूरोप में, इंग्लैंड में बेकारी भत्ता लेते रहते, अनएम्प्लॉयड अपने को कह करके और सरकार को ठगते रहते। कुछ लोग तो रियली अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं है, बेरोजगार हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे सर्टिफिकेट बना लेते हैं बेरोजगार, उन मरने के बाद सब चुकाना पड़ जाएगा जमराज के, जितना अधिकार है धन रखने का उतना ही रखना चाहिए वास्तव में, और उतना भगवान ईमानदारी से कमाने पर दे देते हैं। जानता है विद्वांस दोषम पर वित्त हरतु, दूसरे के धन को हरण करने वाले को क्या दंड मिलता है उसको जानता है, क्या क्या प्रेत्य इह मरने पर दंड मिलता है जमराज के द्वारा, और इह सरकार के द्वारा मिलता है दंड इस जिंदगी में, ये जानता है, लेकिन इतना धन में अभिनिविष्ट रहता है कि हरता है, क्योंकि अजितेंद्रिय इंद्रियों के बस में है, इंद्रियां जो मांगती हैं उसको पूरा करता, अशांत कामों हरते कुटुंबी, वो कुटुंब वाला होता है, तो दूसरे का धन क्यों चुराता है? कुटुंब के लिए। इस संसार में आदमी अपने लिए उतना पाप नहीं करता है जितना परिवार के लिए, ये बिल्कुल सत्य चीज है, अपने लिए इतना पाप नहीं करता है जितना अपने बच्चा और स्त्री के लिए, और दूसरे का धन आदमी चुराना चाहता है, लेना चाहता है, जबकि वो उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी स्त्री है, लेकिन जैसे तैसे ठग तो बहुत दंड मिलता है। अशांत काम योजनाएं संकल्प कामनाएं शांत नहीं होती हैं और हर लेता है। तो विद्वान अतिथम धनुज कुटुंबम पुष्णम स्वलोकाय कल्पते वही, हे धनुजो, हे दैत्य बालकों, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विद्वान अति, यदि कोई जानकार है व्यक्ति, जीवन के लक्ष्य को जानता है, फिर भी यदि वह कुटुंब के पोषण में आसक्त रहे तो स्वलोकाय न कल्पते, वो वैकुंठ नहीं जा सकता है। स्वलोक जीव का जो अपना स्वरूप के अनुकूल धाम है उसको स्वलोक कहते हैं। विद्वान व्यक्ति भी जानकार शास्त्र का है, जन्म मरण को जानता है सब कुछ, लेकिन वह अभी यदि कुटुंब पोषण, केवल कुटुंब पोषने में लगा हुआ है, वर्जन नहीं कर रहा है, तो स्वलोकाय न कल्पते, वह वैकुंठ जाने के योग्य नहीं हो सकता है। यह स्वीय कारक विभिन्न भाव स्तम प्रपद यथा विमूढ़ है,
अगर विद्वान होने पर भी उसके मन में यह भाव रह गया कि यह मेरा है या दूसरे का है, अभी ममता रह गई अपने परिवार में और दूसरे के धन को लेने के प्रति उसकी उत्कंठा रहे, दूसरे के दुख को नहीं समझे, तो वह अभी उसी तरह से नरक में गिरेगा जैसे मूर्ख व्यक्ति गिरता है। नरक को तमह कहा गया है संस्कृत में, तमह का अर्थ अंधकार, तमह शब्द कहिए तो उसका अर्थ नरक कहीं कहीं होता है, क्योंकि नरक लोक में बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां एक भी बल्ब नहीं जलता है, न लालटेन न टॉर्च, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां सबको दुख देना है, मरना पीटना है, वो आग जलाई जाती है, कहीं कहीं उसमें लोगों को जलाया जाता है, भूंजा जाता है, उसी से थोड़ा थोड़ा प्रकाश कहीं कहीं होता है, ये तो दीपक आदि की व्यवस्था नहीं, दंड देने के लिए पापियों को ले जाते हैं वहां, स्वागत करने के लिए नहीं, इसीलिए नरक तमह कहा जाता है। तो जथा मूढ़ तमह प्रविशति प्रपद्यता, जैसे मूर्ख व्यक्ति शास्त्र से अनभिज्ञ नरक में जाता है, उसी तरह से विद्वान व्यक्ति भी यदि परिवार में आसक्त रह जाए और भगवत भजन में लापरवाही करे तो अभी वहीं जाएगा। जथा विमुढ़ जतो न कश्चित क्वचकुत्र छिद्वा दीन समात्मान मलम समर्थ विमोचितुम काम दिशा विहार क्रीड़ा मृगोजन निगडो विसर्ग। अंतिम बात उपदेश में यह कह रहे हैं कि हे असुर बालकों, आज तक इस विश्व के इतिहास में अनादि काल से ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में और किसी भी देश में नहीं हुआ है जो अपने से संसार बंधन से मुक्त हो जाए। स्वयं जतो न कश्चित, कोई भी ऐसा नहीं हुआ, क्वच कहीं भी किसी समय कुत्र चिद्वा कहीं भी दीना स्वमात्मा मलम समर्थ विमोचित, जो अपने को विमोचितुम समर्थ है, अपने को अज्ञान से परिवार आदि की ममता से छुड़ा ले, विशेष करके स्त्री की ममता से कोई छुड़ा ले स्वयं ही अपने को, ऐसा आज तक हुआ है कहीं नहीं हुआ है, किसी देश में नहीं हुआ है, न भारत में न अमेरिका में, कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कोई स्त्री में आसक्त हो गया हो और बिना किसी के हेल्प के और छुड़ा लिया। हेल्प क्या है? भगवान का ज्ञान, भगवान के विषय में जो जानकारी है वही वास्तव मदद है। जानकारी कैसे होती है? साधु संग से होती है। भगवान का ज्ञान तो भगवान के विषय में सुनने से होता है। तो वैसे कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को भगवान का ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में और किसी भी काल में अपने को संसार के बंधन से या स्त्री की आसक्ति से नहीं छुड़ा पाया। जब भी छूटा है तो किसी न किसी के सहायता से छूटा है। ऐसा कहते हैं महाराज पुरुर्वा उर्वशी में आसक्त थे और भागवत में कहते हैं कि किसी का चित्त यदि स्त्री में आसक्त हो गया हो तो बिना भगवान कृष्ण के कोई भी व्यक्ति उसके चित्त को उससे नहीं छुड़ा सकते, ऐसा वो कहते हैं। वो अपने को धन्य मानते हैं कि हमारा चित्त एक बार लगा हुआ था लेकिन भगवान ने कृपा करके हमारे चित्त को मुक्त कर दिया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं किसी काल में, ऐसे अरबों खरबों वर्ष बीत चुके, आगे भी समय आएगा और देश एक से एक है, भारत देश है और भी बहुत से देश हैं, लेकिन एक भी रिकॉर्ड नहीं पाएंगे कि कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त हुआ हो और स्वयं ही मुक्त हो गया हो उस आसक्ति से। ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। बड़े जोरदार शब्दों में कह रहे हैं कि विमोचितुम काम दृशन विहार क्रीड़ा मृगोजन निगडो विसर्ग। काम दृक, जिनके दृष्टि में कामदेव का निवास है, उनको काम दृशन कहते हैं। स्त्रियों के नेत्र में काम का निवास होता है, कामदेव का। तो स्त्रियों के जो विहार क्रीड़ा मृग बन गए हैं, जो व्यक्ति बानर की तरह स्त्री के वश में नाच रहा है और स्त्री मदारी की तरह नचाती है, नारी विवश नर सकल गोसाई नाच ही मत मर करती, यहां लिखा है विहार क्रीड़ा मृग, जैसे
कोई पशु रखते हैं खेलने के लिए, खासकर के बानर, बानर बहुत नाचता है स्वामी की आज्ञा से, बता ऐसे डांस करो तो करता है। मैंने देखा था एक बार, एक बानर बता रहा था भाव कि सास और पुत्र वधु कैसे झगड़ा करती है, तो बताने लगा हाथ सिर सब ऐसे बताने लगा। वो ट्रेनिंग देते हैं तो अपने सुख के लिए आनंद के लिए उसको नचाते रहते हैं, जैसा जब चाहे नचाते हैं, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए बानर नाचता रहता है। तो इसी तरह स्त्रियों के बस में जो व्यक्ति है, स्त्री का बानर बन चुका है, क्रीड़ा मृग, वो अपने को मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक इस स्थिति में तुम लोग नहीं आए हो, उसके पहले भगवान का भजन कर, और बाद में यदि विवाद होगा तो कोई बात नहीं, अभ्यास रहेगा भजन करने का तो गृहस्थ जीवन में भी कर लोगे, इसलिए पहले से अभ्यास डालो। जन्निगदो विसर्ग, जन्निगदो विसर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। स्त्री और पुरुष जैसे देखने में दूर दूर लगते हैं, लेकिन उनका हृदय बंधन होता है, हृदय ग्रंथि जिसको कहते हैं। स्त्री पति और पत्नी के बीच में कोई बंधन दिखाई नहीं देता है, लेकिन बंधन रिमोट कंट्रोल से होता है, उसका हृदय उसमें बंधा है, उसका हृदय उसमें बंधा है, बीच में कोडलेस कार्डलेस कंट्रोल है, तो हृदय ग्रंथि कहते हैं। लेकिन फिर भी एक बंधन है दोनों के बीच में, वो क्या निगद है, विसर्ग, बच्चा है। जो पति पत्नी के परस्पर सहवास से बच्चा उत्पन्न हो जाता है, तो वही दोनों को सीमेंट की तरह बांध करके रखता है। ये शक्ति है, तो वही निगड है, निगड में श्रृंखला, दोनों को एक साथ और टाइट बांधने के लिए। पहले तो आसक्त तो रहते ही हैं, लेकिन जब बच्चा होता है तो और दोनों को निकट ला देता है बीच में जोड़ने के लिए। कभी कभी हमने देखा है, एक बार हमारे गांव की घटना है, एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था, किसी भक्त के साथ जा रहा था, जाने के लिए रोड पर पहुंचा था, बस आने में देर थी, तब तक उसकी पत्नी अपने बच्चे को भेज दी सड़क पर, और वह व्यक्ति देखा अपने बच्चे को, उसको उठा करके घर लौटाया और वृंदावन नहीं गया। मेरे आंख के सामने की घटना है। तो वह स्त्री वहां तक जंजीर बढ़ाई बच्चे के रूप में और वहां से खींची इधर से गोद में लेकर के बच्चा को आ गया। बाद में गया वृंदावन दो चार महीने बाद, लेकिन उस समय खींच गया। तो इस तरह से जन्निगदो विसर्ग, विसर्ग मतलब बच्चा है, संतान। ततो विदुरात परिहित दैत्या, दैत्येषु संगम विषयात्मक, इसीलिए अब उपसंहार कर रहे हैं, इसलिए हे दैत्यों, विषयात्मकेषु, जिनका मन विषय भोग में लगा हुआ है, ऐसे दैत्यों का संग छोड़कर, उपेत नारायण आदि देवम, आदि देव भगवान को समर्पण करो, भजन करो। दैत्यों का संग मत करो, दैत्य विषयात्मा, उनके आत्मा में मन में केवल विषय रूप रस गंध संसारिक बसा हुआ है, तो उनको छोड़कर, संग दैत्यों का संग छोड़कर, उपेत नारायण आदि देवम, जो आदि देव है, समस्त देवताओं के मूल हैं, परम प्रभु हैं, ऐसे नारायण की शरण लो, भगवान का भजन करो। स्वमुक्त संग ऋषि प्रोपवर्ग, वही प्रभु मोक्ष स्वरूप है, दिव्य स्वरूप स्थिति में है, और जितने मुक्त पुरुष हैं वे लोग भगवान का भजन करते हैं, उनका गुण गाते हैं। इसलिए तुम लोग भी भगवान का भजन करो। तो कुछ बच्चों ने कहा कि अरे आप कहते हैं कि मुक्त संग ही, इसी तरह भगवान की भक्ति मुक्त पुरुष करते हैं, जो माया से मुक्त हैं, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, हम लोग तो बच्चा हैं और उस पर भी असुर वंश में जन्म हुआ है, हम कैसे करेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, न झुपम प्रणय तो बहुआ यासु असुरात्मज, हे असुरात्मज, हे असुर पुत्रों,
अच्युत को प्रसन्न करने में बहुत परिश्रम नहीं है, बहुत आयास नहीं है। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, सीखने लायक। इस संसार में जैसे हमने पहले कहा कि आप किसी की कितनी भी सेवा कीजिए परिवार में, लेकिन बाद में लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो बहुत परिश्रम है। बहुत परिश्रम करके भी लोग प्रसन्न नहीं हो जाते, नहीं होते, ये बिल्कुल दृष्ट सत्य है। बहुत मेहनत करके, बहुत कमा करके भी आप पालन पोषण कीजिए, लेकिन खास करके पुत्र से पूछिए सयाना होने पर तुम बिल्कुल सेटिस्फाई हो ना, तो कहेगा हमको कंट्रोल मत किया करो, हमको थोड़ा फिर ही छोड़ो। आजकल कैसे लड़के बोल रहे हैं। एक बार एक गृहस्थ व्यक्ति हमको कहे कि महाराज जी हमारे पुत्र को समझा दीजिए, यह ठीक से रहे, ये रहे, वो रहे। तो 15 वर्ष का लड़का था, उसको मैं 16 वर्ष का था, बैठाया, लगा समझाने की, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसी अमेरिका की बात है। तो वो लड़का कहा कि अंग्रेजी में बोला कि इनको आप समझा दीजिए कि हमारे विषय में मत सोचा करें, इसे कोई जरूरत नहीं। मैं समर्थ हूं अपने विषय, हमारा किस बात में हित है, किस बात में अहित है, मैं समझ रहा हूं। व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी, आई नो। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कहा क्यों, तो समझ रहे हो अपने विषय में, जब जन्म हुआ उसमें समझ रहे थे, कैसे कैसे खा करके पी करके पहन करके बड़े हुए, आज अपने विषय में समझ रहे हो, घूम रहे हो लोफर बनकर, और तुम अपने हित अहित को समझ रहे हो। मैं बाद में बहुत समझाया, तो धीरे 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 कुछ नम्र हुआ। तो ये तो दशा है, बहुत प्रयास करके भी रिजल्ट नथिंग है। सुनिए, हम किसी की उपासना करें, किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, लेकिन नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। बड़े बड़े नेता लोग, राजनेता, देश के भक्त, देश की जनता के लिए क्या क्या नहीं किए, कितना त्याग किए, लेकिन फिर भी जनता संतुष्ट नहीं है। हमारे देश में तो प्याज महंगा हो गया, बस सरकार बदल गई, ये नहीं देखा कि उस व्यक्ति ने कितना क्या किया और जनता के लिए और क्या किया, कोई विचार नहीं। क्यों प्याज महंगा हुआ, हटा दो ये तो। मतलब जनता को या किसी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान को बहुत आसान है प्रसन्न करना है। कोई व्यक्ति क्या कभी कह सकता है कि हमको पत्रम पुष्पम फलम दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, कोई कहेगा? आप किसी के पास जाकर कहिए कि अरे भगवान भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए एक गिलास पानी लीजिए, हमारा काम कर दीजिए, तोयम अर्पित कर रहे हैं। भगवान का इतना हमारे साथ निकटतम संबंध है कि वे भाव देखना चाहते हैं कि ये क्या हमें दे रहा है। वो तो चाहते हैं कि लेने के लिए आवे हमारे पास, लेकिन लोगों में इस बात का बड़ा अभिमान रहता है कि हम क्यों लेंगे, हम क्यों किसी से मांगेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तब दो, देने के लिए आओ, दो कुछ भी दो, पत्रम पुष्पम फलम तो किसी तरह। भगवान संबंध चाहते हैं, क्योंकि नित्य संबंध है जीव के साथ भगवान का। तो जो भगवान अपने हैं, परम प्रिय हैं और हृदय में ही अवस्थित हैं, बुलाने की भी जरूरत नहीं है, हमारे भावों को वे समझते हैं। दूसरा व्यक्ति तो हमारे भाव को समझेगा भी नहीं। हम बहुत प्रेम से किसी की सेवा करें और फिर भी हमारे भाव को नहीं समझ पाएगा, ये भगवान सब समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्नेहवान पिता है, तो पिता को कोई प्रसन्न करना चाहे छोटा सा बच्चा, तो क्या उसको कोई कठिनाई होगी प्रसन्न करने में? बिना सेवा के ही पिता प्रसन्न रहता है, और कहीं बच्चा थोड़ा सा रुख करे तो कोई चीज, जैसे पिता मिठाई लाया है डिब्बे में और उस
मिठाई के डिब्बे को खोल करके अगर बच्चा ये कह दे कि पिताजी आप खा लीजिए, पहले आप खा लीजिए, तो क्या पिता उस मिठाई को खाएगा? नहीं खाएगा, केवल बच्चे के इस भाव से उसे प्रसन्नता हो जाएगी, नहीं नहीं ठीक है मैं तुम्हारे लिए लाया, मैं तृप्त हो गया, वो नहीं खाएगा। हो सकता है उसे डायबिटीज भी हो तो वो खाएगा नहीं, लेकिन वो प्रसन्न हो जाएगा अपने बच्चे के भाव से। तो भगवान वास्तव में इतना अपने हैं कि उनको प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्यों थोड़ा सा रुख किया जाए, उनको पहचाना जाए कि हमारे प्रिय हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे परम प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, ईश्वर है, सब कुछ सब तरह से हमारा हित करना चाहते हैं, थोड़ा भी रुख कीजिए उतने से ही भगवान प्रसन्न है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं अच्युतम प्रीणयत, अच्युत को प्रसन्न करने में बहु आयास न, बहुत आयास नहीं, बहुत परिश्रम नहीं। आत्मत्व सर्वभूतानं सिद्धत्वादि है सर्वतः, क्योंकि जैसे जीव रह रहा है शरीर में तो आत्मा जितना आत्मा के निकट है ठीक भगवान भी उतना ही निकट है, वो दूर नहीं है, भगवान के समान निकटतम कोई हो नहीं सकता है, कितना भी कोई निकट हो स्त्री पुत्र, लेकिन फिर भी उन्हें दूर रहना पड़ता है, कभी कभी तो बहुत बिजोग हो जाता है, लेकिन परमात्मा तो दिन रात साथ रहते हैं। आत्मा की तरह आत्मत्व सर्वभूतानां सभी जीवों के हृदय में है, सिद्धत्व भी है सर्वत्र, वो सिद्ध है रह रहा है, तो क्या वे हमारी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं कि इसकी कितनी शक्ति है क्या है? वो तो केवल भाव देखते हैं, दूसरे लोग क्या भाव देखते हैं? आप एयरप्लेन का टिकट लेने जाइए और कहे मैं आपका भक्त हूँ, आपके प्रति बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए टिकट फ्री दे दीजिए, तो कहने यहाँ भाव की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डॉलर चाहिए, यहाँ पर पैसा चाहिए, है ना, कहीं भी दुनिया में चाहिए, कोई है जो भाव से खुश हो जाए? कोई नहीं खुश होगा भाव से। आप प्रेम करें और वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, नहीं, उसे वस्तु चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो हृदय के भाव को देखते हैं, क्योंकि भगवान को कोई कमी नहीं है, उन्हीं की संपत्ति तो हम लोग सब खा रहे हैं, वो परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद का पहला वाक्य यह श्लोक, भगवान सब तरह से कंप्लीट पूर्ण है, वे दे रहे हैं सबको खाने के लिए, उनको कोई क्या दे सकता है? लेकिन जब उनके द्वारा दी हुई वस्तु को भी हम उनको अर्पित करते हैं, उनकी सेवा में देते हैं, तो भगवान प्रसन्न तो पहले से ही रहते हैं, लेकिन स्पेशली बहुत खुश हो जाते हैं हमारे व्यवहार से, ठीक, हमारी भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए नहीं कि हमने उनको कुछ दिया इसलिए प्रसन्न हो गए, ऐसा नहीं। हम क्या दे सकते हैं? सूर्य को कोई क्या लाइट दिखाएगा? सूर्य उगे और कोई टॉर्च जलाकर कहे देखिएगा स्खलन न हो, ठोकर न लगे, चलिए मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, कोई सूर्य को प्रकाश दिखाएगा, दीपक दिखाएगा? सूर्य के प्रकाश से वो चल रहा है, वो काम कर रहा है, सूर्य को क्या कोई प्रकाश दिखाएगा? लेकिन फिर भी सूर्य को दीपक दिखाया जाता है। गंगा जी की पूजा करने लोग जाते हैं तो घर से पानी लेकर नहीं जाते हैं, और गंगा जी के पूजन में जल अर्पण भी एक पूजा है, 16 प्रकार के उपचार में जल देना, जल अर्पण करना एक पूजा है, तो गंगा जी का पानी लेते हैं और कहते हैं एकदम जलम समर्पयामि, आपको मैं जल अर्पित कर रहे हैं, तो गंगा जी का पानी गंगा जी को देते हैं, फिर भी गंगा जी खुश हो जाती है, वो गंगा भक्त कहलाए। तो इस तरह से भगवान की सारी वस्तुएं हैं, वे सब जगह सिद्ध हैं, हमारी स्थिति को जानते हैं, हमारे प्रेमी हैं, उनको प्रसन्न करने में कोई प्रयास नहीं है, और जगत में किसी भी व्यक्ति को प्रयास करने में तो मर जाएगा आदमी, फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो पाएगा, ये सिद्धांत है। तो भगवान किस तरह से प्रकट हैं, सब जगह स्थित हैं, देखिए हम चाहे गरीब हो जाए, चाहे रोगी हो जाए, चाहे शरीर बदल जाए, वृक्ष हो जाए, कीट पतंग हो जाए, लेकिन भगवान
के हृदय में इतना स्नेह है जीव के प्रति, ये साथ नहीं छोड़ते हैं, ये सब जगह साथ में रहते हैं। इसी को प्रहलाद महाराज चार श्लोकों में कह रहे हैं। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वत महत्सु च। भगवान छोटे या बड़े, पर और अवर सभी जीवों में है। सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मांत और स्थावर आदि से, स्थावर तृण से लेकर और ब्रह्मा तक सबके हृदय में भगवान। भौतिकेषु विकारेषु, समस्त भौतिक वस्तुओं के भीतर है, जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, महत्सु सब में अस्तित्व है। गुणेषु गुण साम्य च, जब सृष्टि हुई रहती है गुणमय तो समस्त वस्तुओं के भीतर रहते हैं, और जब यह सृष्टि प्रधान के रूप में रहती है, सृष्टि नहीं हुई रहती है तो उस समय उसके भीतर रहते हैं, महत्तत्व के भीतर रहते हैं। और गुण व्यति करे, जब गुणों का नाश होता है, प्रलय हो जाता है, उस समय भी कारण रूप से भगवान रहते हैं, वे एक हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, दिव्य हैं, प्रकृति से पार हैं, छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, अव्यय हैं। तो यदि बात कही जाए कि भगवान सब तरह से प्रकट हैं, तो क्या वे जगत के रूप में भी हैं? तो इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ, प्रत्येगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण स्वयं व्याप्त व्यापक निर्देश ये निर्देश अविकल्पित। वैसे भगवान अपने चिन्मय स्वरूप से सब जगह स्थित हैं, लेकिन उन्हीं की शक्ति जो है जगत के रूप में परिणत हुई है, इसलिए वे व्याप्त हैं, और उस जड़ वस्तु के भीतर वे परमात्मा रूप से हैं, इसलिए उनको व्यापक करते हैं। वो व्यापक हैं और व्याप्त भी। व्याप्त का अर्थ होता है कोई कोई व्यक्ति किसी चीज के अंदर हो, उसको व्याप्त कहते, उस वस्तु को। तो भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह है, और उन वस्तुओं के रूप में भी भगवान ही है वास्तव में, मतलब भगवान की शक्ति है बहिरंग, जड़ शक्ति, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा लिखा गया है उपनिषद में और श्रीमद् भागवतम में कि सृष्टि से पूर्व कुछ भी नहीं था, भूमि नहीं थी, आकाश भी नहीं था, जल पवन कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ भगवान की शक्ति से निकला है, उनकी जड़ बहिरंगा शक्ति जगत के रूप में डिफ्यूज्ड हुई है। सब भगवान का स्वरूप नहीं है, अनुभव स्वरूप आनंद में हुए हैं परम ईश्वर, सबके कंट्रोलर, और माया अंतर्हित ऐश्वर्य। तब यह पूछा जाए कि जब सबके हृदय में है तो उनका ऐश्वर्य क्या हो गया है, ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य को वे अंतर्हित किए हुए, छिपाए हुए, छिपा करके रहते हैं, इयते गुण सर गया। तो प्रकृति की सृष्टि होती है तो फिर भी भगवान प्रकाशित होते हैं, जीव में जो चेतना स्मृति ज्ञान होता है तो उसी से अनुमान किया जा सकता है कि भगवान रह रहे हैं। जीव के कारण स्मृति वगैरह नहीं आती है, परमात्मा शरीर में रहते हैं हृदय में, तब स्मृति अगर आती है। तो जब सब जगह भगवान है, सब में भगवान स्थित हैं, सभी चर अचर वस्तुओं में, इसलिए हे दैत्यों तस्मात सर्वेषु भूतेषु दयां कुरु तस्मात्, इसलिए सभी जीवों के प्रति दया करो और सबका हित करने की चेष्टा करो। तस्मात सर्वेषु भूतेषु, जब भगवान सबके भीतर अस्थित हैं, इसलिए सब पर दया करो और सबका हित करो। दया का क्या मतलब है? दया का अर्थ होता है पर दुख हाने इच्छा, दूसरे को दुख है और उस दुख को दूर करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको दया कहते हैं। तो दया करो, किसी जीव को दुख ना हो, जन्म मृत्यु से सभी पार हो जाए, किसी को कोई भौतिक कष्ट ना हो किसी तरह का, ऐसा भाव लाओ, दूसरे का दुख करो, दुख दूर करो और सौहृदम करो। सौहृदम का अर्थ है कि हित करो, दुख दूर करने एक अलग चीज और उसका हित करना एक दूसरा आइटम है। जैसे बीमार पड़ गया है कोई व्यक्ति,
तो दया उसको कहेंगे कि उसको दवा दे करके उसका दुख दूर कर दिया, ये दया। और सौहार्द क्या है? सौहार्द ये है कि उसको कुछ पौष्टिक पदार्थ देकर खिला पिला कर संतुष्ट कर देना, स्वस्थ कर देना। और सौहार्द सबसे बड़ा है कि उसको माला झोली देकर कहना कि हरे कृष्ण जाओ, ये हित हुआ। ज्ञान देना, उसको और सुविधा देना, ये सौहार्द हुआ। और दुख दूर करना, ये दया। इसलिए प्रहलाद महाराज दोनों कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों पर, केवल मनुष्यों पर ही नहीं, जड़ चेतन कीट पतंग पशु पक्षी सबके भीतर भगवान है। इसलिए सब पर दया करो, उनका दुख दूर करने की चेष्टा करो और सबका हित करो। भावम आसुरम उन्मुच्य, आसुर भाव को छोड़कर। आसुर भाव क्या है? दूसरे को दुख देना, खाना पीना मौज में रहना, दूसरे की चिंता न करना, ये आसुर भाव है। असुर का जो भाव, उसको आसुर भाव कहते हैं। तो फिर बच्चों ने पूछा कि इससे क्या लाभ होगा? अगर मान लीजिए हम सबका दुख दूर करते हैं, सबके हित की चेष्टा करते हैं, असुर भाव छोड़ देते हैं, तो लाभ हमें क्या होगा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जजा पुष्यति अधोक्षादः, दया करने से, इस प्रकार का व्यवहार करने से, हित करने से, अधोक्षजः पुष्यति, इंद्रियों से अतीत भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे व्यवहार से, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ। जिस व्यक्ति के व्यवहार से, आचरण से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, उसका सब कुछ व्यर्थ है। वास्तव में दूसरा कोई व्यक्ति खुश होकर के क्या करेगा? आदमी परिवार के लिए इतना परिश्रम करता है, मान लीजिए सब परिवार के खुश ही हो जाए, तो इससे क्या क्या उसको फल मिलेगा? लेकिन जिसके व्यवहार से, विचार से, आचरण से भगवान प्रसन्न है, तो पुष्टे तत्र किमलभ्यम अनंत आद्य, भगवान आदि पुरुष हैं, अनंत हैं, वे जब प्रसन्न हो जाए तो और क्या बाकी रह जाए? किम अलभ्यम, सबसे बड़ा लाभ भगवान की प्रसन्नता है। जब भगवान प्रसन्न है तो और क्या बाकी रह गया? किंतर गुण व्यति कराती है ये स्वसिद्धा। तो भगवान की प्रसन्नता की कामना करनी चाहिए, गुणों के व्यतिकर से, मतलब सृष्टि होने पर जो प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये तो भोग जो है स्वसिद्धा, अपने आप मिलते हैं। इनके लिए प्रयास क्या किया जाए? प्रयास तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, और ये भोग तो अपने आप मिलते हैं। धर्मादय और धर्म, अर्थ और काम, इसे क्या लाभ होगा? इसको कमा करके क्या किया जाएगा? और किम अगुणे न चकांक्षिते न, और तो और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए तो क्या लाभ है उसे? प्रहलाद महाराज का अगुण मतलब गुणों से पार, मुक्ति से भी कोई लाभ नहीं है, उसकी क्यों कामना की जाए? सारम जुसाम चरणे और उपगाय कामना, हम लोग तो सारम जुसाम, जो सार चीज है, उसको जीवन में ग्रहण किए हैं। वह क्या? चरणयो उपगायताम, भगवान के लीला गुण नाम को जब हम लोग गा रहे हैं, तो यह गान ही सबसे बड़ा लाभ है। जो व्यक्ति भगवान के रूप गुण लीला आदि को गा रहा है, सुन रहा है, वर्णन कर रहा है, उसको मुक्ति से क्या मतलब है? जो मुक्ति से नहीं मतलब है, तो इन संसार के भोगों से उसको क्या तात्पर्य? तो सबसे बड़ा लाभ है भगवान के गुणों का वर्णन और श्रवण। उपगायता, उपकार होता है आधिक्य में, जो बहुत अधिक भगवान के लीला गुण नाम आदि को गा रहे हैं, जप रहे हैं, बहुत बड़े लाभ में है, सबसे बड़ा लाभ है। मुक्ति से भी, अगुण से भी ज्यादा लाभ। क्या जरूरत है और भोगों से, और वस्तुओं से, पैसा से और मोक्ष से? भगवान का कीर्तन करते रहे, जप करते रहे, भगवान में मन रमा रहे, यही सबसे बड़ा लाभ। तो फिर असुर बालकों ने प्रश्न किया कि तो धर्म, अर्थ और काम की प्रशंसा शास्त्र में क्यों की गई है? आप तो उसको बिल्कुल थर्ड क्लास की चीज कह दिए, किसी काम की चीज नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, धर्मार्थ काम इति जो भीतस त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग का जो वर्णन शास्त्र में किया गया है, और इसके साथ ही साथ इच्छा, आत्मविद्या,
और त्रयी कर्म विद्या, नय दमो नीति शास्त्र और दंड शास्त्र और विविधा च वार्ता, बहुत से कमाने की आजीविका के साधनों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो मन में तब एक दखिलम, मैं इसको तब पूर्ण मानता हूँ, निगमस्य वेद के कहे हुए वाक्य को तब सत्य मानता हूँ जब ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं। धर्म अर्थ काम जब भगवान को अर्पित किए जाते हैं तब ये सत्य है। प्रशंसा शास्त्रों में इसीलिए की गई है, इनको कोई व्यक्ति भोगे तो भोगने के कारण इनकी प्रशंसा नहीं है। जैसे धर्म का पालन कर रहा है तो भगवान की सेवा का संकल्प करे, स्वर्ग पाने की इच्छा न करे, पैसा है तो भगवान की सेवा में लगा दे और इंद्रिय तृप्ति न करके देह को भगवान के सेवा में लगावे, स्वयं न भोग करके भगवान के प्रचार में धन को लगावे। तो जब इस तरह से किया जाता है तब इनकी प्रशंसा है शास्त्रों में, इनका उपयोग मन में तबेत अखिलम, इनको मैं तब पूर्ण मानता हूं निगमस्य सत्यम, जब स्वात्मा परम सुहृद परम सत्यम, जब परम पुरुष को जो अपने सुहृद है और अपने आत्मा है तो उनको अर्पित किया जाता है तब ये सब की सार्थकता है, नहीं तो ये सब व्यर्थ। धर्म अर्थ काम ये सब सार्थक तब हैं जब भगवान को अर्पित किए जाते हैं। वास्तव में देखा गया है कि इनके द्वारा भगवान की सेवा होती है, आप प्रकट देख रहे हैं कि पैसे से भगवान की सेवा होती है, प्रचार होता है। पैसा ना रहे तो बुक प्रिंट नहीं होंगे, प्रसाद वितरण नहीं होगा, रथ यात्रा नहीं निकलेगी, है कि नहीं। तो जिन लोगों का अर्थ भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो अर्थ क्यों नहीं प्रशंसनीय है? इसीलिए शास्त्र कहता है कि पैसा कमाना चाहिए, काम की वस्तुएं जुटानी चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन वह इसलिए कि सब मिल करके भगवान की भक्ति में हमको सहायता दे, जिसके पास पैसा है वह आराम से खा पी करके भगवान का भजन करे, चिंता में न रहे। तो वो अर्थ है, यदि निश्चिंत बना रहा है, भगवान के भजन में लगा रहा है तो प्रशंसा के योग्य है, वो धन्य है। धन्य शोधन धन्य प्रथम गति जाके, रामायण में लिखा गया वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती। धन की तीन गतियां हैं, दान भोग और विनाश, ये तीन गति है। तो दान को प्रथम गति कहते हैं, या दान का अर्थ है भगवान को देना या निधि पर्सन को जिसको जरूरत है उसको देना है। और यदि कोई नहीं देता है तो दूसरी गति है भोग। प्रथम गति, प्रथम बात तो यह है कि दान कर दे धन, क्योंकि वो दान किया हुआ एक एक रुपया दिया हुआ वो करोड़ों रुपया परलोक में मिलता है, ये शास्त्र का सिद्धांत है, शास्त्र कह रहा है। तो परलोक में सुखी रहने के लिए भी कुछ लोग बहुत देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है भविष्य में हमारा धाम बढ़े, लेकिन वो केवल यही बैंकिंग सिस्टम से बढ़ाना चाहता है, परलोक में नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, है ना। तो बैंक में आदमी चाहता है कि बढ़े, अगर कोई बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे तो वो चाहेगा इसमें जमा करें बढ़। लेकिन स्वर्ग में कहा जाए या दूसरे जन्म में कोटि गुना मिलेगा तो नहीं, इस पर विश्वास नहीं। तो धन की प्रथम गति है दान करना, और दान नहीं कर पाए तो दूसरी गति है भोग, खूब खाए पिए, घर बनाए, घूमे, कम से कम ये तो करे, और ये भी नहीं किया तो विनष्ट होना ही है उसको, वो तो जाएगा, चाहे चोर लेंगे या परिवार के लोग लेंगे, चाहे सरकार लेगी, चाहे कोई लेगा, वो तो जाएगा, इसको विनाश कहते हैं। कुछ भोग नहीं भोगे, दान नहीं किए तो जाना तो है ही, इस तरह से यह आदमी ही मर जाएगा, धन पड़ा रहेगा चला जाएगा, चाहे जीवित अवस्था में धन छोड़ करके चला जाए धनी को, और चाहे धनी ही धन को छोड़कर मर जाएगा, एक तो होना ही। कितने बड़े बड़े धनी लोग जीवित अवस्था में गरीब हो जाते हैं, और कुछ लोग धनी रहते हुए ही मर जाते हैं। तो मर गए तो अब क्या धनी रहे, सारा धन तो यही छूट गया,
मृत्यु सर्व हरस्ता। अब उनके नाम से बैंक में रुपया है या पूरा पृथ्वी ही है, लेकिन अब दूसरे जन्म का पता ही नहीं बेटा को कहाँ पहुंचाएगा। सर्व सर्व हर मृत्यु सब कुछ छीन लेते, देह यही रह जाता है तो और क्या कहना। तो इस तरह से इसको विनाश कहते, धन छूटेगा जाएगा। धन हो तो उसे प्रथम गति में लाना चाहिए दान में। तो प्रहलाद महाराज यहां कह रहे हैं कि इन सब वस्तुओं की प्रशंसा इसीलिए की जाती है कि इनके द्वारा भगवान की सेवा होती है। किसकी सेवा? स्वसुहृद, जो अपने हितैषी हैं, परम प्रिय हैं, उनको अर्पण करने। परमस्य पुंस, जो परम पुरुष है, जो सबके हृदय में अंतर्जामी रूप से विद्यमान है, उनको अर्पण करना चाहिए, कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, तब इन सबके साथ हटता है। इतना ज्ञान दे करके प्रहलाद महाराज अब अपने गुरु संप्रदाय को बता रहे हैं कि उनको कहाँ से ज्ञान मिला। तो उनको जिज्ञासा हो सकती है ना, तो इसलिए कहते हैं ज्ञानं तदेतममलं दुर्वात्माह नारायणो नरसखः किल नारदाय एकांतिनां भगवत सदकिंचनानां पादारविन्द रजसाप्लुत देहिनां स्यात्। ज्ञानं तदेतत्, जो मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, यह ज्ञान भगवान नारायण ने नारद मुनि को दिया। भगवान ही परंपरा के मूल है। भगवान नर नारायण जो बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, वे नारद जी को यह ज्ञान दिए। नर सखा नारायण, जीव के सखा अथवा नर के सखा, नर और नारायण दो भाई हैं। वो दोनों भगवान हैं, लेकिन एक का नाम नर है, एक का नाम नारायण है। तो वे तपस्या करते हैं बद्रिकाश्रम में। तो नारद जी उनके चरणों की सेवा किए, उनकी आराधना किए, तो भगवान नारायण ने यह ज्ञान नारद जी को दिया। नारायण और नरसख किल नारदाय नारद जी को दिया। और नारद जी से मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया, ये बाद के श्लोक में बता रहे हैं। एकांति नाम भगवत पद किंचन आनंद, देखिए इतना ही कह रहे हैं कि यह ज्ञान नारायण से नारद जी ने प्राप्त किया, अपने बारे में भी नहीं बोल रहे। तो उन बच्चों ने कहा कि अरे भाई, जब नारद जी को यह ज्ञान मिला, नारायण ने कहा, तो हम लोगों को कहां से हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, किसी को भी हो सकता है। एकांति नाम भगवत पद किंचन आनंद पादार बिंद रजसाह नाम स्या, यह ज्ञान किसी को भी हो जाएगा जो भगवान के एकांतिक अनन्य निष्किंचन भक्तों के चरण रज में अभिषेक करेगा, तो उसको ये ज्ञान हो जाएगा। ये बात बहुत आ रही है, पादार बिंद रज से आप्लुत देह, पादार बिंद के रज से आप्लुत देह, वो देह जिसका वो देह, वह जीव जो वैष्णवों के आचार्यों के चरण रज से आप्लुत है, डूबा हुआ है या चारों तरफ से घिसा, इसका मतलब पूर्ण रूप से जो समर्पित है गुरुजनों के, महत्पुरुषों के, पूर्ण रूप से समर्पित है, दीक्षा आदि संबंध से जुड़ करके, इसका चक्रवर्ती का जो अर्थ करते हैं, एक संबंध में जुड़ करके जो महत्पुरुषों के चरणों का दास बन चुका है, उसको ये ज्ञान हो जाएगा। स्या किसी को भी, उपाय बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि श्रुतम नेतन मायापूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देव दर्शन, जिनका दर्शन भगवान के दर्शन के समान है, जो महान है, वैसे नारद मुनि से मैंने यह ज्ञान सुना। यहां तक ला रहे हैं प्रहलाद महाराज। श्रुतम एतत् मया पूर्वम, मैंने इसे पहले सुना। पूर्वम कारण, पूर्वम का अर्थ अब दो दिन पहले कि दो साल पहले कि कितना पहले अभी नहीं बोल रहे हैं। पहले मैंने इस ज्ञान को नारद जी से सुना। यह ज्ञान जो है विज्ञान के साथ है, अनुभव से युक्त ज्ञान है।
शुद्ध भागवत धर्म है, इसको मैंने नारद मुनि के मुख से सुना। इतना सुनते ही दैत्यों के बच्चे पूछने लगे नारद प्रहलाद महाराज से। उन्होंने पूछा, दैत्य पुत्र प्रहलाद, तुम वयम चाति नर्तन्यम दिग्रहे विद्महे गुरुम एवाभ्याम गुरु पुत्राभ्याम बालानाम के ही स्वरो। हे प्रहलाद, हम और तुम या और जितने बच्चे हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं कि इन दो गुरु पुत्रों के अलावा हम लोगों का और भी कोई टीचर रहा है। ये नारद जी के साथ तुम्हारा कब संग हो गया? इस जन्म में तो हम लोग देखे नहीं, मैं सुने हैं। कहते हो पहले नारद जी से मैं सुना, पूर्व जन्म की बात बता रहे हो कि क्या कह रहे हो। हम लोग तो जानते हैं कि हम लोगों के यही दो ईश्वर हैं। ईश्वर माने मालिक, कंट्रोलर, पढ़ाने वाले। जगह जगह ईश्वर शब्द का अर्थ बदलता रहता है। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, तो ये हम लोगों के कंट्रोलर हैं, संत और अमर। और बाला नामक समस्त बच्चों के यही कंट्रोलर है, मास्टर। मास्टर का अर्थ भी कंट्रोलर ही होता है। तो इनके अलावा हम लोग और किसी गुरु को नहीं जानते हैं। रीते अन्यम गुरु न विद्मह, इन दोनों को छोड़कर के हम और किसी गुरु को नहीं जानते हैं। तो बालस्य अंतःपुरस्थस्य, तुम तो बच्चा रहे हो और अंतःपुर में रहे हो अपने माँ के साथ, तो वहां पर नारद जी का संग तुमको कैसे मिल गया? नारद जी से ऐसे विरक्त महात्मा है, वो जाकर के किसी स्त्री के घर में थोड़े ज्ञान देंगे। कब भेंट हो गई तुम्हारी? छिंधी न संशयम सौम्य, हे चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले, हमारा संशय दूर करो। सैतिक विश्रम कारण, जिसे हम लोग को विश्वास हो, हमारा संशय दूर करो और सही बताओ, जिसे विश्वास हो तुमने कब यह ज्ञान प्राप्त किया था। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अगले अध्याय में, एवं दैत्य सुत पृष्ठो महाभागवतो सुर उवाच तान स्मय मान स्मरण मदन भाष। तो दैत्य बालकों की बात को सुनकर महाभागवत, असुर वंश में जन्म लेने पर भी महाभागवती अर्थ है असुर महाभागवत। प्रहलाद महाराज कुछ मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन बच्चों से वह बात बताए जो मैं मुझसे सुने थे। नारद जी कथा कह रहे राष्ट्रीय सभा में, जो मदनु भाषितम, जो मैंने कहा था वो बात असुर बालकों को सुनाए। यहाँ पर जोड़ है मेरे मैंने उपदेश किया। तो प्रहलाद महाराज ने कहा असुर बालकों से, पितरी प्रस्थित स्नाकम तपसे मंदरा चलम युद्धो देवम परम चक्र विविधा दानवान प्रति। जब हमारे पिताजी अजर अमर होने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए तपस्या करने, तो जब वो तपस्या में लग गए तो देवताओं ने असुरों के प्रति युद्ध करने की बहुत बड़ी तैयारी की। जब हिरण्यकश्यप था तब नहीं युद्ध कर सकते थे, जब वो तपस्या में इंगेज हो गया तब लोग देखे कि अब तो ये रहा नहीं, वो लोग युद्ध की तैयारी किए। और उस समय तैयारी किए जब पिपीलकय अहिदिवा दृष्टिया लोकोपतापन पापेन पापो भक्षिति बदंतस्ते बासवादय। बासव मन इंद्र, इंद्र आदि देवता देखे कि इस दुष्ट को चींटियां खा गई, दीमक खा गए, यह पापी अपने पाप से ही मर गए। वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये और तेजस्वी हो गया और इसका बल बढ़ गया, जिएगा। वो लोग ये समझे कि इसके मांस रक्त आदि को सब दीमक खा गए, ये मर गया, दुष्ट खत्म हुआ, अब ये थोड़े जी सकता है। वास्तव में ब्रह्मा जी आकर को जल नहीं छिड़के होते तो ये गया दुनिया से, मरा होता। जो कुछ भी था, जब वे लोग यही बोलते थे, पापी अपने पाप से खत्म हो गए। हम लोग खत्म करने थोड़े गए, हम लोग मारने नहीं गए, ऐसे जाकर तपस्या में लग गए कि इसका देह दीमक खा गए। यह कहते हुए उसके राजधानी पर देवता लोग चढ़ाए, आपस में बातचीत करते थे, इति बदंत, इस तरह से बोलते थे कि वो तो काफी खत्म हो गया, अब क्या डर है, अब जितने असुर लोग बचे हैं सबको मारो। तो ये लोग राजधानी पर चढ़ाए कि प्रहलाद महाराज कथा कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जब तपस्या करने लगे और खास करके उनके देह को दीमक और चींटियां खा गई, तब देवता लोग
चढ़ाई किए, आक्रमण किया असुरों पर। ये प्रहलाद महाराज कथा कहते समय ये नहीं कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे, पितर हमारे पिताजी जब तपस्या कर रहे हैं, बोलने में कितनी शालीनता है, शिष्टाचार। वही पिता जो मारने का कितना प्रयास प्रहलाद महाराज को किया है, लेकिन बच्चों से बोल रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पिताजी। तो इतने पर कोई कहेगा पिताजी अब तो लड़के नाम रख रहे हैं अपनी बात का। पिता कहकर के बोल रहे, तो इतनी तैयारी किया देवताओं ने, इतनी तैयारी किया, और इधर राजा था नहीं, नायक था नहीं, इसीलिए असुर सब भाग चले, युद्ध नहीं किए। उनके अतिशय सैन्य उद्योग को देख करके देवता सब भाग चले, नहीं नहीं असुर भाग चले, देवता लोग तैयारी किए, और पीछे से देवताओं ने बहुत मारपीट की उनकी, बहुत अस्त्र शस्त्र से, इसलिए वो लोग भाग गए। यहाँ तक कि कलात्र पुत्र विपता, न स्त्री को लेकर भागे, न पुत्र को, न धन को, सब छोड़ छाड़ करके भागे। और उस भागने में पशु परिच्छद, घर में धन रखा है, बच्चा है, स्त्री है, ये ले लो ये ले लो, कुछ नहीं लिए, भाग चले। और उसे भागने में रानी को भी, जो हिरण्यकश्यपु की स्त्री थी, उसको भी छोड़ कर भाग गए। अब क्या करो, अपनी जान बचा रहे कि उनको बचा रहे, उनको अगर लेते तो ये भी मारे जाते। इतनी पिटाई देवताओं ने की उस समय, उनको अवसर मिल गया, वो दुष्ट तपस्या कर रहा है, खूब पीटे, और ये लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए। बेलुम्पन राजशिविरम, राजभवन को देवताओं ने खूब लूटा। देवता ये तो लूटते नहीं है, लेकिन इतना दुष्ट था कि अब क्रोध में देवता लोग सब लूट रहे थे, जितना धन था, हथियार था, सब बरामद कर रहे थे। और लूटते लूटते वो देखे राज महिषी कयाधु को, देखे प्रहलाद की माँ को, तो भगवान इंद्र ने विचार किया, ओ ये गर्भवती है, तो हिरण्यकश्यपु का बच्चा अभी जीवित है, वो तो दुष्ट मर गया, मर जाएगा, उसको दिमक खा गए, लेकिन उसका तेज, उसका बच्चा तो अभी जीवित, तब क्या करे। अगर आज का आदमी रहता तो स्त्री को ही मार देता कि हमारा शत्रु इसके गर्भ में है, कंस जैसे, लेकिन देवता देवता होते। वो कयाधु का अपहरण की, कहे कुछ देवताओं से इसको ले चलो स्वर्ग में, ले चलो, और जब बच्चा होगा तो बच्चा को मार दिया जाएगा, क्योंकि हिरण्यकश्यपु का अंश है। तो इस इरादे से वह कयाधु को हर कर ले जा रहे। नियमानम भयो विघ्नम रुदतिम क्रोधेन एव, प्रहलाद महाराज तो गर्व में थे, वो कहते हैं कि मेरी माँ उस समय ऐसे रो रही थी जैसे क्रोधी पक्षी रोती है अपने पति के वियोग, रो रही थी मेरी माँ मुक्त कंठ से। लेकिन जब रास्ते में ले जा रहे थे भगवान इंद्र, तो अकस्मात नारद मुनि आ गए, और आ करके उन्होंने कहा, प्राह नैनम सुरपते ने तुम है सनागसन, हे सुरपते, हे देवराज, यह अनागसन, यह निरपराध है, इसने आपका क्या अपराध किया, इसको अपने ले जाइए। मुंच मुंच महाभाग सती पर परिग्रह, ये सती स्त्री है और दूसरे की स्त्री है, पर परिग्रह, आप दूसरे की स्त्री को टच ही क्यों किए, आप देवता हैं, सुरपति हैं, साधारण देवता भी ऐसा नहीं करेगा, और आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। मानो नारद जी ने यह भाव व्यक्त किया कि जैसे दूसरे की स्त्री का अपहरण करके ले जा रहे हैं, तब देवराज इंद्र ने कहा, नहीं देवर्षि, मैं किसी बुरी नियत से नहीं ले जा रहा हूं, यह हिरण्यकश्यपु की वाइफ, ये हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, और इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का बच्चा है, तो वो अभी तो एक हिरण्यकश्यपु होगा, इसलिए मैं ले जा रहा हूं, जब बच्चा होगा तो बच्चा को मार दूंगा और इसको छोड़ दूंगा। ऐसे कहा, आस्ते अस्या जठरे वीरजम अविषयम सुरत दिशा, देवताओं का द्रोही हिरण्यकश्यपु है और उसका वीर जिसके भीतर है, तो आशितं जाओ प्रसवम, जब तक प्रसव होता है तभी तक इसको रखूंगा, इसके बाद मोक्ष है, इसको मुक्त कर दूंगा, अर्थ पदवी निकलता, मेरा मतलब सब हो जाएगा, मैं बच्चा को मार दूंगा, इसके बाद इसको छोड़ दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, नहीं, हिरण्यकश्यपु का बच्चा है, लेकिन फिर भी महाभागवत है, आपको इससे कोई भय नहीं है,
ये देवताओं का पक्ष करेगा, ये असुर नहीं है, दैत्य नहीं है। अयम निष्किल विष साक्षात महाभागवतो महान, अरे निष्पाप भक्त महाभागवत इस गर्भ में है, ठीक हिरण्यकश्यपु के विरुद्ध। इसे महाभागवत भगवान का बहुत बड़ा भक्त इसके भीतर है। हिरण्यकश्यपु तो भगवान का द्रोही है, लेकिन यह भगवान का भक्त है, निष्किलिश है। और त्वया न प्राप्स्यते संस्था, संस्था मैंने मृत्यु, आपके द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी, ये भी बात है। एक तो महाभागवत है, भगवान इसके रक्षक हैं और आप नहीं मार पाएंगे, इतना ध्यान रखिए कि आप नहीं मार पाएंगे इसको। क्यों? अनंतानुचरो बलि, यह भगवान कृष्ण का अनुचर है, उनका दास है, बलि बहुत बलवान है, भगवान की शक्ति से बहुत शक्तिशाली है। अभी आप इसको तो सोचते हैं कि मार देंगे, लेकिन आप मार नहीं पाएंगे। नारद जी ने बता दिया, देखिए गर्भ में कैसा बच्चा है, क्या है, सब कुछ बता दिया। भगवान का भक्त है, भक्त ही नहीं महाभागवत, महान भगवत भक्त, और कृष्ण का अनुचर है, और इसलिए परम बलवान है, इसको आप नहीं मार सकते। जो इतना भगवान इंद्र ने सुना तो इति उत्तस्ताम दिहाया, सब कयाधु को उन्होंने छोड़ दिया। देवर्षि माने हम बचन, देवर्षि के वचन का सत्कार किया, इंद्रदेव सत्कार के, देवर्षि कह रहे हैं तो बिल्कुल फैक्ट है। और अनंत प्रिय भक्त है नाम, उन्होंने ये सोचा कि अनंत का कृष्ण का भक्त है इसके गर्भ में, तो इसीलिए एनाम परिक्रम में उस कयाधु की परिक्रमा करके और तब इंद्रदेव गए क्षमा मांग करके। परिक्रमा करना बहुत बड़ी भक्ति है। देखिए देवराज इंद्र हैं, दैत्यों के शत्रु हैं, यहाँ तक कि भगवान जो अवतार लेते हैं तो इंद्र का पक्ष करके लेते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मेड़ी जुगे जुगे, इंद्र के आरी मतलब राक्षसों को दैत्यों को मारते हैं। लेकिन जब दैत्य वंश में ही कोई महान भक्त जन्म लेने वाला है तो देवताओं के नायक होकर के भी भगवान इंद्र परिक्रमा कर रहे हैं कयाधु के। अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है, गर्भ में है। देवराज इंद्र ने तो कोई जाति पाति का विचार नहीं किया, कुछ भी नहीं, भक्त है तो उसकी परिक्रमा की है। परिक्रम दिवम देव, परिक्रमा करके और कयाधु को प्रणाम करके तब वो गए। देवता आखिर देवता होते, यहाँ स्पष्ट झलक रहा है ना कि इंद्र भगवान कितना भक्ति की महिमा जानते हैं। अभी बच्चा गर्भ में है भगवान का भक्त तो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आदमी क्या जानेंगे भक्त की महिमा, वो तो खिल्ली उड़ाते हैं, कहते ये हरे कृष्ण वाला है, अरे तुम क्या समझोगे उसकी महिमा, है ना। आदमी नहीं समझेंगे वास्तव में, देवता देवता होते हैं, ये लोग जानते हैं भगवान के भक्तों की महिमा। तो देवता देवताओं में श्रीमौर हो करके और दैत्य की स्त्री की परिक्रमा करें, ऐसा हो सकता है? लेकिन देवराज ने पहचान लिया, सुना नारद जी की बात पर विश्वास हो गया कि महान भक्त है ये, है तो आदर किया। इस तरह से किसी भी भक्त में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यदि विष्णु का हो गया तो दिव्य है, निर्मल है, चिन्मय है। वास्तव में देवता लोग इस रहस्य को समझते हैं। ये प्रसंग हमारे हृदय को बहुत टच करता है। मैं कई बार इस पर विचार किया हूं कि देवराज इंद्र के हृदय में भगवान के प्रति कितना आदर, कि उनका भक्त है तो उसी बच्चे की परिक्रमा करो, तो कोई बच्चे को प्रणाम करेगा? बड़े बड़े भक्तों को प्रणाम करते ही नहीं है लोग, छोटे बच्चे को कहां से करेंगे। तो ये है एटिकेट, व्यवहार, वैष्णव के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, उसकी किस कुल में जन्म लिया है नहीं देखना चाहिए। वो धनी है, गरीब है, कुरूप है, क्या है, ये सब नहीं देखा जाता। रूप गोस्वामी पाद जी उपदेशामृत में कहते हैं जैसे गंगा जी की धारा है, तो गंगा जी में मल मूत्र भी बहता है, खर पात बहता है, यहाँ तक डेड बॉडी भी बहता है, लेकिन फिर भी गंगा जी का पानी दिव्य है, निर्मल है। हमने कलकत्ता में देखा ऐसे
मल बहता है उसको हटा करके लहर से उसमें स्नान कर दिव्य जल। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है वो दिव्य धरातल को होता है। मैटेरियल कंसिडरेशन नहीं रखना चाहिए उसका, जैसे भगवान इंद्र ने ऐसा विचार नहीं किया, उस बच्चे की परिक्रमा किया, उसके माँ की परिक्रमा किया और चले गए। इसके बाद नारद जी ने मेरी माँ से कहा, ततो मे मातरम ऋषि समानीय निजाश्रमे, नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम में लाए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि नारद जी तो का तो कोई आश्रम नहीं है, तो निजाश्रम का क्या मतलब हुआ? निजाश्रम का मतलब हुआ अपने किसी मित्र साधु के आश्रम में लाए। नारद जी का कोई आश्रम नहीं है और लाए, वहां ला करके आश्वासन दिया नारद जी ने कि बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते हैं तपस्या से तब तक तुम निर्भय इस स्थान पर रहो। और इतना कहकर जब वो इतना कहे तो उसने कहा कि देवर्षि मैं चाहती हूं कि मेरे पति जब आवे तब मैं प्रसव करूं, बच्चा को जन्म दूं। तो पता नहीं कितना हजार वर्ष के बाद आएगा। तो नारद जी ने वर दिया कि ठीक, तो वो अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती रही और जब हिरण्यकश्यपु आया तब उसने प्रह्लाद को जन्म दिया। तो नारद जी की कृपा से संभव हो गया। तो वह बहुत श्रद्धा से नारद जी के उपदेशों को सुनती थी। नारद जी वास्तव में बच्चे को लक्ष्य करके उपदेश कर रहे थे, बच्चा सुन रहा था गर्भ। प्रह्लाद महाराज कहते हैं, ऋषि पर चरत तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्नी स्वगर्भ स क्षेमा इच्छा प्रसूत है। तो अपने गर्भ की रक्षा के लिए और इच्छा अनुसार प्रसव के लिए वो नारद जी की बहुत श्रद्धा से सेवा करती थी। लोग थोड़े समय तक नारद जी रुके होंगे और ऋषियों के साथ क्षेमा गर्भ की रक्षा के लिए। कयाधु ने देखा था कि उसके गर्भ को मारने के लिए देवता ले जा रहा था, वही संकट है ना, कभी भी कोई मार सकता है। अभी तो नारद जी आकर बचा दिए, नहीं तो गर्भ तो मारा जाता है। उसको बहुत भय हो गया था, इसीलिए क्षेमाय स्वगर्भस्य अपने गर्भ की रक्षा के लिए और इच्छा प्रसूति के लिए अपनी इच्छा के अनुसार प्रसव करने के लिए उसने नारद जी की सेवा की। तो ऋषि बड़े कारुणिक थे नारद जी। उन्होंने मेरे माँ को और माम अपि उद्दिश्य निर्मलम ज्ञानम अदा, मेरे माँ को ज्ञान दिया, भक्ति दिया और मुझे भी उद्देश्य करके, मैं गर्भ में था लेकिन मुझे लक्ष्य करके नारद जी ने ज्ञान दिया। इस पर बच्चे कहते हैं, लेकिन आपकी माँ तो कोई ऐसा ज्ञानी है नहीं जैसे तुम हो। तो कहते हैं, तत्तु कालस दीर्घत्वा, बहुत काल हो गया ज्ञान दिए हुए, तो एक तो समय बहुत लंबा बीता इसलिए, और स्त्रीत्वा मातु स्त्रीरोधद, और स्त्री होने से मेरे माँ का ज्ञान नष्ट हो गया, वो भूल गए। एक तो काल के कारण, लंबा काल के कारण, और दूसरा स्त्री होने के कारण ये का स्त्रीत्व, इसका मतलब है कि स्त्रियों में स्मृति शक्ति पुरुष जैसी नहीं होती। पता नहीं कहां तक सत्य, अथवा वो घर के काम धंधा में इतना आसक्त होती है, बिजी होती है कि उनका ज्ञान भूल सकता है नहीं तो ऐसी बात क्यों प्रह्लाद महाराज कहते हैं? कहते हैं कि सतु कालस्य दीर्घत्व, काल की दीर्घता के कारण और स्त्रीत्व स्त्री होने के कारण मेरे माँ का ज्ञान भूल गया। लेकिन ऋषिणानुगृहीतम नाधुना तेजात, लेकिन ऋषि की, नारद जी की मुझ पर विशेष कृपा थी, अनुग्रह था, इसीलिए आज भी वो स्मृति मुझे नहीं जाती, नहीं छोड़ रही, मुझे ज्ञान जेव करते हैं। मेरे माँ का ज्ञान भूल गया लेकिन मेरा ज्ञान ताजा दी। जो डायरेक्ट सुन रहे थे उसका ज्ञान खत्म हो गया, जो गर्भ में सुन रहा था उसका ज्ञान बना हुआ। ये नारद जी की कृपा का फल था। वास्तव में गुरुजन जिस पर करुणा करते हैं, जिसको अपना अनुग्रह, जिसको अपना बना लेते हैं, उसी के हृदय में ज्ञान टिक पाता है, नहीं तो ज्ञान तुरंत चला जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, तद विद्धि परिणीपाते न परि प्रश्न सेवा,
इस ज्ञान को परिप्रश्न द्वारा, जिज्ञासा द्वारा और सेवा द्वारा और शरणागति द्वारा, प्रणाम द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तो ऋषि ने उस बच्चे को अपना बनाया था, समझा था। वो कह रहे कि ऋषिणा अनुग्रहितम माम, मैं ऋषि के द्वारा अनुग्रहित था, उनकी विशेष कृपा थी, इसीलिए वो स्मृति आज भी नहीं जा रही, मुझे जो कहते हैं ज्ञान प्राप्त। बच्चे बड़े उत्कंठित थे, तो क्या ज्ञान वो हम लोगों को भी हो सकता है? तो कहते हैं भवता मति भूया, तुम लोगों को भी ज्ञान हो जाएगा यदि मैं श्रद्धा देते बच्चा, यदि मेरी बातों में तुम श्रद्धा करोगे, इसमें महत्व बुद्धि करके इसको ग्रहण करोगे तो तुमको भी ज्ञान हो जाएगा जैसे मुझको है। वैसारधि श्रद्धा तस्वी बालानंद में जो वैसारधि बुद्धि जो देह में आत्मबुद्धि को खत्म कर देती है, ऐसी बुद्धि तुम लोगों को भी मिल सकती है, स्त्रियों को भी, बच्चों को भी, किसी को ये बुद्धि हो सकती है। जब स्त्री बाला नाम च, स्त्रियों को ये ज्ञान हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, फिर सयान लोगों के लिए तो कहना ही नहीं। सबसे कमजोर बुद्धि के स्त्री और बच्चे होते हैं, इनको भी यह ज्ञान हो सकता है, ये भी भक्ति कर सकते हैं भगवान की। स्त्री बाला नाम च, च का अर्थ अपि, भी स्त्रियों को और बच्चों को भी यह ज्ञान हो सकता है यदि वे श्रद्धा करें तो। नहीं, तुम लोग श्रद्धा करोगे तो तुम लोग ज्ञान हो जाएगा। तो इन बच्चों ने फिर से कहा कि अच्छा वो जो नारद जी ने तुमको ज्ञान दिया था वो ज्ञान बोलो बोलो, तब मैं अब प्रहलाद फिर चालू कर रहे हैं, जो बात कह चुके हैं उसी बात को फिर विस्तार से कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। श्रीधर स्वामी ने प्रश्न उठाया है कि ये पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, इस बार स्पेशली नारद जी के मुख से जैसे सुने थे वैसे बता रहे हैं, ये पुनरावृत्ति नहीं है। तो कल आप लोग सुनेंगे नारद मुनि के मुख से सुने हुए उपदेश को प्रहलाद जी बोल रहे हैं, तो उपदेश चालू हो गया 18वें श्लोक, देह और आत्मा का अंतर पहले बताया जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वहाँ क्या सेवा की, लेकिन नारद जी ने उनको अपना बना लिया, कृपा किया। बच्चा था, उसे क्या सेवा की अपेक्षा करेंगे? सुन रहा था ध्यान से, कृपा हो जाती है साधु महात्मा के किसी किसी पर, सेवा की अपेक्षा नहीं रखते। अब पिछले जन्म का क्या पता है, इसमें वर्तमान में जो चल रहा है उसे देखना चाहिए। भागवत में कुछ नहीं लिखा गया है पिछला अगला जन्म। वो कम मेमोरी होती है, पर स्त्री पुरुष के भगवान का ज्ञान सीखने भी है, वो तो आत्मा का तो कोई तो बनाया पुरुष को तो बनाया तो नहीं रहता, उनमें भक्ति तो हो सकती है ना। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि स्त्री बाला नाम च, स्त्री और बच्चों को हो सकती है, लेकिन ज्ञान को संजो करके रखने की विधि है ना। आज कथा सुने और इसके बाद सालों भर घर का काम धंधा करती रहे, कभी पढ़े ना, तो ज्ञान तो भूल जाएगा। स्त्रियों की घर गृहस्थी में ज्यादा आसक्ति होती है, ये स्वभाव है, भले किसी किसी का ना हो लेकिन स्वभाव है। वो सब चीज सजा कर रखती है, बक्सा भर करके अपने रखती है, भले न पहने लेकिन कई साड़ी का सेट रखती है। उनका चित लगा रहता है, इसीलिए वो भूल गए। नाम आपने बताया कि भगवान की सेवा और निधि को भी देना, भगवान निधि को कहते हैं कि आप मानो किसी का गौरव है और
कहते नीडी उसको नहीं कहेंगे ना, नीडी का मतलब है वास्तव में उसको जरूरत है तो लेकर तो उस जरूरत की पूर्ति करेगा। जैसे मान लीजिए भूखा आदमी है तो आपने भोजन दिया तो खाएगा ही, अगर भूखा है तो नीडी है तो। नीडी शब्द बता रहा है, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी लिखा है नीडी पर, उन्हीं के शब्द का मैं अनुवाद कर रहा हूं। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है जिसको चैरिटी कहते हैं, और सरकार भी चाहती है कि लोग करें गरीबों की सेवा, चैरिटी दें, और इसीलिए ये कितना फैसिलिटी भी देती है। यह देखिए आवश्यकता पर निर्भर करता है। यदि वास्तव में कोई योग्य व्यक्ति है, कराह रहा है, रोग से सफर कर रहा है और आपने दवा दे दिया और ठीक हो गया, तो उस समय उसकी सेवा करना यह श्रेष्ठ है। तो स्थान काल स्थिति बताएगी कि कब क्या करना चाहिए, वो स्थिति बताएगी। ऐसे जनरल बात है कि भगवान को दान देना चाहिए, क्योंकि भगवान ही दान के वास्तविक अधिकारी, उन्हीं का सब कुछ है, जनरल आइडिया। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि दूसरे को दिया जाता है, वो स्थिति बताती है कि वहां जरूरी है। जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप हो गया, घर द्वार ध्वस्त हो गए हैं, अंग भंग हो गए किसी के, बेचारे कराह रहे हैं और तड़प रहे हैं, और वहां पर कोई कहे कि नहीं भगवान की सेवा करनी चाहिए इनकी, नहीं इनको जिला कर क्या होगा, तो विषय भोग करे, तो ये ऐसा करना कहना तो फिर थर्ड क्लास की बुद्धि का परिचायक हो। तो मतलब वो विशेष स्थिति उस कार्य के महत्व को बढ़ा देगी। और वैसे कोई ऐसे करे केवल गरीबों को दे और लेकर के दुरुपयोग करें तो उसका तो कोई खास लाभ नहीं है, लेकिन भगवान को दिया गया तो एनी हाउ से तो कल्याण होना ही है, तो वास्तविक धर्म है वास्तव। लेकिन और अवसर भेद से दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, किसी का बच्चा है, उसको रियली जरूरत है पढ़ाई लिखाई में, किताब चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, कोई कहे नहीं हम तो केवल भगवान को देंगे तुमको नहीं देंगे, वहां पर भगवान को अर्पित करके प्रसाद उसको देना है, इस तरह से व्यवहार बताता है। तो बहुत संवेदनशील बातें हैं, समझ लेना चाहिए स्थिति के अनुसार, स्थान और देश और परिस्थिति से किसी कार्य की महिमा बढ़ जाती है, उस समय वो करना चाहिए। जैसे आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं और सोचे कि स्त्री को एक भी गहना नहीं देना है, अब उस समय तो विवाह क्यों करने जा रहे हैं, जब स्त्री को देना ही नहीं है, कपड़ा नहीं देना, अलंकार नहीं देना है, तो विवाह की क्या जरूरत है। वहां वो देना होता है, स्थान भेद होता है। भगवान को सर्वदा सब समय सभी देश में सभी काल में सभी परिस्थिति में देना चाहिए, लेकिन और जो निधि मैं कहा वो कोई विशेष परिस्थिति होती है उस समय देना चाहिए।